जो आप प्राचीन मंदिर देख रहे हैं, ये बहुत ही पवित्र स्थल है। इसी स्थल पे भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह हुआ था और तीनों युगों से आज भी यहाँ पे वो अग्नि जल रही है जिसको साक्षी मानकर भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह हुआ था। और आप लोग को डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और क्या क्या है इस मंदिर में जिसके आप लोग दर्शन करें। कैसे पहुंचे इस मंदिर में आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये खूबसूरत पहाड़ उत्तराखंड के अंतिम गांव केदार घाटी का है। और ये खूबसूरत जो दृश्य है वो सामने केदारनाथ के पहाड़ हैं जो कि बारह महीना बर्फ से ढके रहते हैं, जो कि इस मंदिर की और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको केदारनाथ की सोनप्रयाग पार्किंग पहुँचना होगा। सोनप्रयाग पार्किंग से ये मंदिर मात्र 7 किलोमीटर दूर होता है। तो अगली बार जब भी आप लोग केदारनाथ की यात्रा पे जाइएगा तो इस स्थल पे जरूर जाइएगा। ये वही पवित्र स्थल है जहां पर माता पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह हुआ था। और आप देख पा रहे हैं नीचे केदारनाथ की पार्किंग है और इसके बगल से जो गाँव जा रहा है त्रियोगी नारायण, यहीं पे ये मंदिर स्थित है। और आपको बता दें इसी मंदिर के पास दो रास्ते और जाते हैं जो कि एक गंगोत्री जाता है और एक पहले केदारनाथ भी यहां से जाया जाता था। इस मंदिर के पास छोटी सी मार्केट भी है जहां पे आप लोग रुक भी सकते हैं जब आप लोग केदारनाथ से दर्शन करके वापस आएंगे। तब ये वही अखंड ज्योत है जिसको साक्षी मानकर शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था और तीनों युगों से ये अग्नि आज भी यहाँ पे जल रही है। ये जो आप प्राचीन मंदिर देख रहे हैं जिसके आज हम आप लोगों को दर्शन कराने लाए हुए हैं, ये वो पवित्र स्थल है जहां पर शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। महाराज जी, यहां के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इस मंदिर में क्या क्या है? यहाँ पे जो ये मंदिर है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है जहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ है जिन्होंने राजा बलि को पाताल का राज्य दिया था। फिर राजा हिमालय, जो पर्वतों के राजा हिमालय थे, उन्होंने ये मंदिर बना के यहाँ पे भगवान को स्थापित करके अपना कुल देवता बनाया था। फिर त्रेता के अंतिम में जब पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ था, पहले वो राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री हरिद्वार कंकल के पास में भस्म हो गई थी, तो दूसरा जन्म लिया यहाँ पर्वतराज हिमालय के घर में। इसी स्थान पर पार्वती माता जी का जन्म हुआ। यहीं पे पार्वती माता जी ने कई वर्षों तक भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। फिर त्रेता के अंत में नारायण कुल साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। मंदिर के अंदर में मुख्यतः 7 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड है, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड और एक छोटा सा नारद कुंड है। और गर्भगृह के अंदर में 2 कुंड है, सूर्य कुंड और अमृत कुंड। अमृत कुंड का जल जो है भगवान के स्नान करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। सूर्य कुंड का जल भगवान के भोग के लिए, वो गर्भगृह के अंदर में, वहाँ पुजारी के अलावा कोई नहीं जाता है। फिर बाहर प्रांगण में 5 कुंड है, पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड और पांचवा एक छोटा नारद कुंड है। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में तो यात्री लोगों के स्नान होते हैं, वो स्नान करने के कुंड है। विष्णु कुंड में आसमन किया जाता है और सरस्वती कुंड में पितरादि तर्पण पितरों को तर्पण किया जाता है। नारद कुंड में किसी को यहाँ पे पिंडदान इत्यादि करना है तो पिंडदान होते हैं नारद कुंड में। ये फिर धर्मशिला है जहाँ पे भगवान शंकर पार्वती माता जी का कन्यादान हुआ था, ये पुराने अवशेष हैं, तो यहाँ उस जगह पे यहाँ का तीर्थ पूजन होता है। फिर वो पूजन करने के बाद अंदर में भगवान के दर्शन है। बीच मध्य में भगवान त्रिनारायण की मूर्ति, दाहिने भाग में दुर्गा में लक्ष्मी जी, बाम भाग में सरस्वती और भगवान की पंचायत। 3 युग की धुनी है, 3 युग की धुनी उसमें लकड़ी चढ़ाया जाता, हवन किया जाता है। वो पूजन करने के बाद बाहर पंचनाम दीपता है, 5 छोटे छोटे मंदिर है, गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा माता जी, ईशानेश्वर, बजरंगबली और अर्धनारीश्वर। सबके दर्शन करने के बाद यहाँ का यात्रा पूरा होता है। तो बोले भगवान।